माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार उन्नति कर रहा हमारा भारत आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। पिछले 8 वर्षों में देश की मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी स्टार्टअप्स निकल कर आए हैं, जो अपने डायनेमिक आइडियाज और लगन से लगातार सफलता के कीर्तिमान रच रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है, वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की संकल्पना की दिशा में संकल्पित प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम निर्मित हुआ है। ये प्रदेश के सुदृढ़ इकोसिस्टम का ही परिणाम है कि आज स्टार्टअप्स केवल बड़े शहरों तक सीमित ना होकर प्रदेश के कोने कोने में संचालित हो रहे हैं, जो आईटी, इंजीनियरिंग, डिजाइन और एग्रीकल्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप उद्यमियों से लगातार चर्चा और देश की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अध्ययन के बाद स्टार्टअप के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 लागू की गई है। नीति में स्टार्टअप्स को विभिन्न स्तर पर सहायता देने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर स्थापित कर रही है, जिसमें प्रोफेशनल स्टार्टअप से जुड़े सभी विषयों पर स्टार्टअप्स की मदद करेंगे। प्रदेश सरकार स्टार्टअप को फंड उपलब्ध कराने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की व्यवस्था कर रही है। स्कूल कॉलेज स्तर से ही युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की भावना को विकसित करने का प्रयास भी कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप उद्यमियों एवं इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है। नई स्टार्टअप नीति से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में महिला संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश में राज्य सरकार के प्रयास से 1900 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संचालित हैं, जिनमें 800 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमियों के हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया और वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, ये मेरा संकल्प भी है और ये हमारा सपना भी है। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप राज्य में निर्मित इकोसिस्टम से लाभान्वित होकर यूनिकॉर्न बनते हुए आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े हैं।